मनिका चौधरी, आप जानते ही होंगे हरियाणवी मॉडल। तो गाइस मैं आपसे एक बार कहना चाहती हूँ कि मतलब मेरा इंट्रोडक्शन भी मैंने अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड हैं इंस्टाग्राम पे भी आपकी कितनी एज है, आप क्या करते हो मॉडलिंग के अलावा। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ मेरी एज 18 है, अभी मैं साथ ही साथ स्टडी भी करती हूँ प्लस की क्लास में, मेडिकल में फर्स्ट आई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने नहीं सोचा था जब मैंने मेडिकल ली तो भैया भी ये चाहते थे कि मैं मतलब डॉक्टर वगैरह बनूँ, बट मतलब किसी वजह से हम सोचते हैं कि ये ना हो पाए तो कोई बात नहीं, बट मेरा सपना ये भी है कि मैं प्लस टू करूँ मेडिकल से, अच्छी बात कोई है ही ना। और ना भी हुआ बाई चांस बोर्ड साथ ना दे या मेहनत ना कर पाऊँ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो गाइस से मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बीएससी करके इसके बाद जैसे जैसे स्टडी आगे होती जाएगी या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब खुद को प्रिपेयर करूँगी, मतलब बायो के टीचर में जो बायो बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायो ही है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं मतलब टीचर बनूँ। और साथ ही मैं मॉडलिंग करती हूँ, आपको पता ही है मेरे सॉन्ग आने वाले हैं, अभी तक मैंने 5 सॉन्ग मैं कर चुकी हूँ, मतलब मैं यही चाहती हूँ कि साथ के साथ मैं कम उम्र में ही घर वालों को कुछ करके दिखाऊँ, मतलब घर वाले भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और फैमिली के बारे में मैं बताती हूँ आपको, मेरे बड़े भैया अज्जू, जिनका नाम अज्जू है, वो डिस्ट्रिक्ट इंसो के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, और फिर उसके बाद मेरी सिस्टर है स्वीटी चौधरी, वो एफडी कर रही है फैशन डिज़ाइनिंग, उसको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, और फिर उसके बाद मैं हूँ थर्ड नंबर पर। और मैंने आपको मेरे बारे में बताया कि मैं मॉडलिंग एंड स्टडी भी करती हूँ, साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट जॉब पुलिस के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ, आज से मैंने मतलब फिर रूटीन बनाया है कि मैं डेली अपने आप को प्रिपेयर करूँ। मैं यही सोच रही हूँ कि दौड़ वगैरह लगाऊँ जितना हो सके, अपने आप कॉन्फिडेंस लेके आऊँ हर चीज़ में, आगे जाने की सोच रही हूँ मैं, ताकि कम उम्र में मैं अपनी फैमिली को कुछ करके दिखाऊँ। और उससे छोटा मेरा भाई है एक पीपल, तो वो भी 9th क्लास में है, वो भी मतलब बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ के साथ, वो भी चाहता है कि मैं अच्छा करके दिखाऊँ, मतलब मैंने ये देखा नहीं है, हमारा घर मतलब कैंप पे है और पहले हम सूर्यनगर रहते थे, वहाँ से ये दौड़ कर पैदल पैदल मतलब दौड़ता हुआ कैंप तक आता है, मैं मानती हूँ सुबह मैं दौड़ती गई, मेरे से थोड़ा भागा गया, मतलब मैं रुक रुक के भाग रही और भैया एकदम कंटिन्यूसली। तो भाई मतलब पापा हैं जो खेती वगैरह करते हैं, उसका ट्रैक्टर वगैरह है, मतलब हम इतनी मतलब अच्छी फैमिली से नहीं है, मतलब मिडिल फैमिली से है, फिर भी मतलब चाहते हैं कुछ अच्छा करके दिखाएं, हमारा गाँव घुमाना है, वहाँ से हम मतलब जब मैं 3 मंथ की थी तो यहाँ आ गए, उसके बाद हम यही सेटल हो गए थे, हम यहाँ सेटल हुए कैंप पे। तो गाइस हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा करके दिखाएं अपनी फैमिली को, मम्मी हाउस वाइफ हैं, पापा खेती वगैरह करते हैं, मतलब खुद का ही काम है इनका भी, और भैया भी अच्छी लाइन में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, वो भी अच्छा करने की सोच रहे हैं, मतलब मैं आपको गाइस यही बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी फैमिली के बारे में भी आपको बताया। और गाइस मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ कि मतलब आपको कैसी वीडियो पसंद होगी तो आप मुझे बताना, मतलब कमेंट करके बताना यूट्यूब पर, मेरा चैनल आपको पता ही है एंड यूट्यूब चैनल, और इंस्टाग्राम आईडी भी आपको पता है sonika_gandharvan। मतलब बहुत सारे भाई हैं एंड फ्रेंड हैं मेरे जितने भी, वो पूछ रहे थे कि आपकी एज कितनी है, तो मैंने मतलब बताया कि मेरी 18 है, बट मान नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, कई बोलते हैं कि आप मैरिड हो, मैं मैरिड नहीं हूँ, मुझे ऐसे रहने का शौक है। तो गाइस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि टिकटॉक पे भी आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, यहाँ भी आप मुझे बहुत सपोर्ट करना, मेरे सॉन्ग आए धीरे धीरे बैक टू बैक मेरे सॉन्ग आने वाले हैं, तो आप मुझे सपोर्ट करना गाइस, मेरे को आपसे यही उम्मीद है कि अभी तक आपने मेरे को इतना प्यार दिया है तो आगे भी देते रहोगे, और मेरी फैमिली का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, इतनी लोग मतलब किसी की फैमिली नहीं करती जितना मेरे भैया मेरी मम्मी पापा करते हैं, क्योंकि यार आपको पता है गाँव के लोग कैसे होते हैं, लोग अच्छा जो करते हैं उसको नीचे गिराने की भी सोचते हैं, ऐसा भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत बार हुआ है, मतलब फिर भी जब खुद पर कॉन्फिडेंस होना तो कोई हमें नीचे नहीं गिरा सकता, मैंने ये भी सीखा है, आपने ये बात तो सुनी होगी, विदाउट पुटिंग इन एनी एफर्ट नो सक्सेस इज एवर पॉसिबल। सो गाइस मैं यही मतलब खुद पर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं कुछ अच्छा
अच्छा कर सकती हूँ, करके दिखाऊँ। साथ पढ़ने वाली जो फ्रेंड थी वो भी यूँ सोचती हैं कि जेलस फील करती हैं कि सोनिका ऐसे क्यों कर रही है। मैं उनको चाहती हूँ कि मैं कुछ करके दिखाऊँ। मेरा यही है, शुरू से ही मैंने एम बना के रखा है कि मैं हर चीज़ में जाऊँ, मतलब मैं करके देखूँ कुछ। मैं खुद को दूसरों से कम नहीं समझती, तो मेरा यही हौसला है। अब भाई सभी को मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप मेरा हौसला बढ़ाओगे ना, तभी मैं आगे तक जा पाऊँगी, क्योंकि आपने अभी तक मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो गाइस आप मेरे को आगे भी करोगे, और मैं ऐसे ही इस लाइन में हूँ, मॉडलिंग करती हूँ। आप अगर आपको कोई भी फीडबैक लगे तो आप मुझे तुरंत बता सकते हो कमेंट करके यूट्यूब पे, इंस्टा पे। गाइस जो भी मिस्टेक है वो नेक्स्ट टाइम में रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि यार गलती तो इंसान से हो ही जाती है। तो आप मुझे बता सकते हो, ऐसे घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट मतलब जो ये वीडियो है यूट्यूब पर, आप कमेंट करके बता सकते हो, इंस्टा पे भी, आप कैसी वीडियो देखना पसंद करोगे, रिएक्शन वीडियो एंड जो भी आपको अच्छा लगे। गाइस जैसे जितना भी मिस्टेक आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। तो गाइस मैं आपसे यही मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताना।